हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे 3D स्लाइडर। हमने सब कुछ कंटेंट हर एक रेडी कर लिया है, लेकिन हमने स्लाइडर नहीं बनाया था एक भी, 3D वो भी। तो ये है हमारा आज का मेन स्लाइडर, 3D है। मतलब 3D कैसे है, हर एक एंगल से हम इमेज को देख सकते हैं। जो इमेज फ्रंट पे लगी हुई है वही इमेज इसके बैक पे भी लगी हुई है। जब घूम के आ रहा है हमें बिल्कुल इमेज साफ नजर आ रही है, ठीक है। यही हम आज बनाएंगे 3D स्लाइडर। चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे लगाओ कोड, सबसे पहले हम देख लेते हैं HTML में हमें क्या चाहिए। एक मान लो कंटेनर चाहिए एरिया, तो मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर देती हूँ कंटेनर की। उसके बाद एक इस कंटेनर के बीच हमें एक मान लो जिधर हमारा पूरा स्लाइडर आना है, जिसमें एक तो स्लाइडर रखने के लिए जगह चाहिए, एक जितनी सारी इमेजेस है उसको एक जगह पे रखना है। तो सारी इमेजेस इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर हम इसको क्लास ऐड कर देते हैं बॉक्स की। इसके अंदर सारी इमेजेस लगा देंगे। तो इमेजेस हम जहाँ पर HTML में नहीं लगा रहे, इधर मैं ऐड करूंगी div। इसको क्लास ऐड करो, कोई भी इमेज नाम लिख दो, बस इमेज हम लगाएंगे CSS में। तो मैं जहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी इमेजेस लगानी है, मैं 9 लगा रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कितनी लगानी है। HTML का हो गया कोड खत्म। यहाँ पे लगाओ स्टाइल टैग। सबसे पहले हम देसी कोड लगा देते हैं, बॉडी का बैकग्राउंड कलर वगैरह ऐड कर दो, ब्लैक रख देते हैं। इसको आपने सेंटर में लेके आना है, तो आप ये वाला नहीं, हम इसको सेंटर में ऐसे लेके आते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर दो सेंटर में। वैसे तो इसको सेंटर में लेके आने की हमें जरूरत नहीं है, फिर रहने दो कोड, क्योंकि हम पूरा कंटेनर ऐसे ही सेंटर में लेके आएंगे, तो वो है ही स्लाइडर इतना बड़ा कि वो सेंटर में आ ही जाएगा। इसको हम जहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे चलो इसका मार्जिन कर देते हैं 0। अब यहाँ पे चलो, सबसे पहले जो हमने कंटेनर लगाया हुआ है उसकी पोजीशन रखो, रिलेटिव पोजीशन रहेगी, ये जरूरी है पोजीशन रखनी। इसको मैं बाद में बताऊंगी क्यों। इसको हाइट विड्थ मेंशन करो, विड्थ इसकी आपकी मर्जी है, कितना बड़ा कंटेनर चाहिए। हाइट इसकी सेम ही रख देते हैं। अब मैं दिखा देती हूँ आपको कहाँ बनेगा कंटेनर। फिलहाल हम बैकग्राउंड कलर लगा रहे हैं, बाद में इसको हटा देंगे। तो ये आ गया हमारा कंटेनर, कंटेनर हो गया रेडी। इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर में कर दे, रहने दो इधर ही। ये जो कंटेनर है इसको हम सेंटर में कर देते हैं। कैसे, दो तरीकों से कर सकते हैं आप। ऐसे डायरेक्ट लिख दो मार्जिन 100 पिक्सल, एक तरफ से ऑटो हो जाएगा, फिर ये सेंटर में। तो यहाँ पे आ गया, बिल्कुल सेंटर में नहीं करेंगे क्योंकि इसने घूमना भी है, तो वो पूरी इमेजेस नजर नहीं आएगी, तो यहाँ पर ही रहेगा। ये हो गया सेंटर में हो गया। अब चलो नेक्स्ट, जो हमने एक बॉक्स क्लास लगाई हुई है जिसके अंदर सारी इमेजेस आनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी पोजीशन आएगी एब्सोल्यूट, ये जरूरी है। यहाँ पर कंटेनर की पोजीशन हमने रिलेटिव रखी हुई है। इसके साथ क्या होगा, जितनी भी इमेजेस है, ठीक है, वो सारी की सारी इस बॉक्स में आएगी। इस बॉक्स में जो इमेजेस है वो सारी हमें चाहिए एक कंटेनर में। तो जब तक हम पोजीशन एब्सोल्यूट या रिलेटिव नहीं लिखेंगे, तब तक सारी इमेजेस एक ही जगह इकट्ठी नहीं होगी, इसीलिए हमने इसको पोजीशन ऐड की है। यहाँ पे लिखो हाइट विड्थ इसकी 100% रहेगी, मतलब जितना बड़ा कंटेनर है उतना बड़ा बॉक्स बनेगा। हाइट विड्थ 100%, बस इसको यहाँ पे ही छोड़ दो। इसका कोड हम बाकी बाद में लगाएंगे। इसमें एनिमेशन ऐड कर दो, एनिमेशन का नाम मैं रोटेट रख देती हूँ। कितना टाइम लगेगा वो आपकी मर्जी है, 60 सेकंड में लिख देती हूँ, इतने टाइम में वो घूम के आएगा, इनफाइनेटली वो घूमता रहेगा, लीनियर मेथड लिख दो। तो ये हो गई एनिमेशन कंप्लीट। अब बारी आती है जो हमने इमेज वाला लगाया हुआ है, इमेज वाली क्लास, उसको हमने सेट करना है। तो इसकी पोजीशन रखो, सबसे पहले एब्सोल्यूट पोजीशन रहेगी। मैं पोजीशन टैग हटा के बताऊंगी कि इसका काम क्या है। पोजीशन आ गई। अब देखो इमेज आपको कितनी बड़ी चाहिए, तो हाइट मुझे इसकी 200 पिक्सल तक चाहिए, विड्थ आप सेम ही रख देते हैं चलो, या फिर विड्थ ज्यादा रख दो, 250 कर दो, तो विड्थ ज्यादा रहेगी इसकी। अब मैं दिखा देती हूँ इसको बैकग्राउंड कलर रेड करके, जो हमारा इमेज वाला पोर्शन है वो कैसा बनेगा। ये वाला ही है, ठीक है, इधर आ गया। तो ये वाला हटा दो रेड कलर,
हम यहाँ पे कलर ऐड नहीं करेंगे, सारा कलर हटा दो। तो ये आ गया, इधर इसके अंदर हमारी इमेज आएगी, ठीक है। अब इसको हम हटा ही देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इमेज कैसे लगानी है यहाँ पे, चलो अब देखो स्लाइडर कैसे बनेगा। डॉट इमेज वाला जो हमने क्लास लगाई हुई है उसके बनाओ nth चाइल्ड। nth चाइल्ड हमने 8 या 9 बनाने हैं, जितनी हमने इमेज लगी हुई है। सबसे पहला बनाओ, पहली इमेज ऐड करो, बैकग्राउंड इमेज। मेरे पास मेरे सेम फोल्डर में इमेज है तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। इसको कर दो रिफ्रेश, पहली इमेज आ गई। अब यहाँ पे इमेज वाले पे चलो, इधर बैकग्राउंड साइज इसका कवर करो, क्योंकि हमें इमेज नजर नहीं आ रही पूरी। बैकग्राउंड साइज कवर, इमेज आ गई नजर। इसको आप हाइट विड्थ बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। एक इमेज लग गई, अब यहाँ पे चलो दूसरी लगाओ, पेस्ट यहाँ पे लगाओ दूसरी। इसका नाम चेंज कर दो। दूसरी इमेज अलग, सारी इमेजेस एक जगह पे ही है। अब हम, मैं पहले दिखा देती हूँ, अगर हम इसको पोजीशन ऐड नहीं करते रिफ्रेश, तो ऐसे इमेज आएंगी सारी की सारी, ऐसे लिस्ट बनती जाएगी। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए, सारी इमेजेस एक जगह पे चाहिए, इसीलिए हमने पोजीशन एब्सोल्यूट इसकी रखी थी। इसके पीछे सारी इमेजेस बन जाएगी। 3D लुक कैसे आएगी वो देखो। यहाँ पे एक क्लास इधर कोड ऐड करो, जो हमने nth चाइल्ड बनाए हुए हैं। पहली इमेज आपको किधर चाहिए, ट्रांसफॉर्म, मैंने इसको रोटेट करना है वाई एक्सिस से 0 डिग्री, वाई एक्सिस से 0 ही रहेगा। ट्रांसलेट करो जेड एक्सिस से, तो बस यहाँ से पता चलेगा कि 3D है। जेड एक्सिस हमेशा ही 3D में पाया जाता है। तो देखो कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे 3D लुक कैसी आएगी। जेड इंडेक्स होता है सिर्फ 3D में, तो 3D लुक लाने के लिए हमारे पास कुछ अलग से कोड होता है। कैसे ऐड करना है, सबसे पहले यहाँ पे कंटेनर पे आओ, कंटेनर में ऐड करो पर्सपेक्टिव, ये होता है 3D एरिया। तो मुझे 1000 पिक्सल तक इसका 3D एरिया चाहिए। तो इतने एरिया में, 1000 पिक्सल के एरिया में हमारा स्लाइडर बनेगा। उसके बाद हमने जो लगाया हुआ है बॉक्स, इसमें ऐड करो ट्रांसफॉर्म स्टाइल परसर्व 3D। अब ये वाली इमेज सामने आ गई। इसके बाद ये भी हो गया रेडी। इसको हमने कर दिया जेड इंडेक्स से, इसको 450 पहली हो गई। अब दूसरी पे चले, पहली तो सामने ऐसे ही रहेगी, दूसरी लगाओ। दूसरी वाली को हम कर देते हैं रोटेट वाई एक्सिस से, इसको चेंज कर दो, मान लो मैं 40 डिग्री कर देती हूँ, तो वो दूसरी आ गई, ठीक है। तो ये ऐसे ही सर्कल बनता जाएगा। तो ये चीज सिर्फ आएगी इस चीज की वजह से। मैं ये हटा, ये वाला जो लिखा हुआ है पहले तो इसको हटा दो, पर सर्व 3D वाला, तो ऐसे हम इमेज ऐसी आएगी मुझे। तो ये सर्कल नहीं बनेगा, बस ऐसे ही लाइन में बनती जाएगी। तो 3D लुक बस इन्हीं कोड के साथ आएगी, जो हमारे लिए जरूरी है। 3D लुक में दिख रहा है अब, ये हो गया दूसरा। इसका जेड इंडेक्स आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाई इंडेक्स चेंज करना है। कॉपी करो पेस्ट, यहाँ पे लिखो 3। ये कितना चेंज करना है जो वाई एक्सिस है, यहाँ पर 40 40 प्लस करते जाओ। मतलब आपने सीक्वेंस बनाना है, बेशक 20 20 कर लो, बेशक 40 40 कर लो। इधर देखो एक, इधर एक इमेज आ गई, ठीक है। एक और ऐड करो फोर्थ, इधर हम और इमेज लगा देते हैं। तो बस ऐसे वो सर्कल बना रहा है। अब मैं पहले इसको एनिमेशन ऐड कर देती हूँ ताकि हमें दिखे। इधर हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 0 40 80 120, वो देखो इधर बन गई इमेज, सर्कल बन गया। पहले इसको घुमा देते हैं, यहाँ पे चलो की फ्रेम्स ऐड करो। हमने रोटेट नाम लिखा था, एनिमेशन का नाम रोटेट था, तो ऐसे इसको रोटेट करना कैसे है, की फ्रेम्स ऐड करो फ्रॉम से लेके
बस इसको घुमाना ही है, सिंपल जो रोटेशन होती है रोटेट करना है बाई एक्सिस से ही करेंगे। 360 मतलब जितना एंगल होता है पूरा एंगल घूम जाएगा, 360 तक घूमना स्टार्ट हो गया। टू यहाँ पे टू लिख दो, कॉपी कर लो, टू वाला आप लगा दो। वैसे अगर ना भी लगाए तब भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको माइनस भी कर दो। ये घूम रहा है, बस ये ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, अब इसको चलो कंप्लीट करें। यहाँ पे चार, यहाँ पे लगा दो पांच, यहाँ पे लगा दो, चेक कर लो। आपको अगर जरूरी नहीं कि 40 का ही डिफरेंस आपने लगाना है, मैंने 40 डिग्री का डिफरेंस रखा हुआ है, तो आप 20 का भी रख सकते हैं, तो स्लाइडर थोड़ा छोटा बन जाएगा। आप इसकी हाइट विड्थ चेंज कर दो, स्लाइडर छोटा बन जाएगा। पांच लगा दिए हमने, कितने हो गए, 6 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट 7th लगाना है, इसमें और ऐड कर दो, 240 कर दो। जितनी आपने इमेजेस लगानी है जितने में स्लाइडर हमारा कंप्लीट हो जाए, तो आपने चेक कर लेना है। पहले 8 लगा के देख लेते हैं, अगर 8 में हो जाए कंप्लीट एक और लगेगी, क्योंकि वहां पर एक ब्लैंक है उसकी स्पेस। इसके बाद बस इतने ही काफी है, 8 या 9, 8 ओके है, 9 हो गई, सच 9, 9 हो गई कंप्लीट। ये हो गया स्लाइडर कंप्लीट। इसमें अब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, ट्रांसफॉर्म तो हो गया सारा कंप्लीट, कोई बॉक्स शेडो ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, जो कंटेनर लगाया हुआ है सबसे पहले, इसको हमने हाइट विड्थ 320 पिक्सल मेंशन करी है। अगर हम इसकी हाइट हटा दें, ये हो गई हाइट इसकी, इतनी हाइट इसकी हटा दो। उसके बाद जो हमने इमेज लगाई हुई है इसकी हाइट हमने 200 रखी हुई है, इसकी विड्थ हटा देते हैं। इसकी विड्थ तो रहेगी, तो विड्थ हमने यहाँ पे 250 रखी हुई है। जो आपको अगर ज्यादा लग रही है या फिर इसको और कर दें, तो जो ज्यादा स्पेस है वो कवर हो जाएगी। मुझे लगा वो पूरा कवर कर ही लगा, चलो ऐसे ही सही है, विड्थ इतनी सही है, हाइट विड्थ हो गई। अब हाइट आप कम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपने ज्यादा छोटा बनाना है तो आप इसकी हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसकी बॉक्स शेडो ऐड कर सकते हैं, इमेज को आपने कुछ लुक देनी है। बॉक्स शेडो यहाँ पे लगा देते हैं, कौन सी बॉक्स शेडो चाहिए वो आप देख लेना। ये वाली नहीं सही, 10 पिक्सल, एक और ऐड करके देख लेते हैं, लाइट वाला इफेक्ट आना चाहिए। ये बॉर्डर लगे लेकिन मुझे बॉक्स शेडो चाहिए, इसको हटाओ, वैल्यू चेंज करते हैं। 0 0 0 ब्लू कलर, बॉक्स शेडो 20 पिक्सल यहाँ पे कर दो, 10 इधर से कर देते हैं। ऐसे नहीं लगनी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई। बॉक्स शेडो 10 पिक्सल, इसको भी 10 पिक्सल कर दो। टेन पिक्सल इधर से हो गई और 5 पिक्सल इधर से कर दो। येलो चाहिए तो 10 पिक्सल हो गई, येलो कलर का लगा दो।
और इसकी जो विड्थ है वो कम कर दो। इसको आप यहाँ पे ये हमें परफेक्ट ये अब सही है, बस ये वाली चाहिए थी ऐसे लाइट वाली, तो वहां पे आपने वैल्यू ऐसे लिख देनी है, ये वाली सही लग रही है। येलो कलर लगा दो या ब्लू लगा दो तो वो ऐसे आ जाएगा बिल्कुल लाइट की तरह, लाइट ब्लू लगा दो, ऐसा सही लग रहा है। ये होगी, इसको आप इमेजेस चेंज कर दो तो हो जाएगा आपका स्लाइडर कंप्लीट है। ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।